नमस्कार दर्शकों, ये MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में सीएम के काफिले की वजह से एम्बुलेंस रुकी, कांग्रेस ने उठाए सवाल। सदगुरु जग्गी वासुदेव दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती की गई इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार अनुराग ठाकुर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में सीएम के काफिले की वजह से एम्बुलेंस रुकी, कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि सिंधी जिले अधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के प्रवेश के दौरान पुलिस ने एक एम्बुलेंस को रोक दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एम्बुलेंस को वास्तव में एक मिनट से भी कम समय के लिए रोका गया और पहले ही इस बात की पुष्टि कर ली गई कि इसमें कोई मरीज नहीं था तथा एम्बुलेंस किसी भी आपात स्थिति के लिए नहीं जा रही थी। यादव लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सिंधी से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार राजेश मिश्रा के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में गए थे। सिंधी से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने अपने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस के लिए काफिला रोकना उचित नहीं समझा। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के दौरान पुलिस एम्बुलेंस को रोके हुए है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने भी एक्स पर वीडियो साझा किया है और इसे मानवता के लिए शर्मनाक घटना बताया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदगुरु जग्गी वासुदेव दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती की गई इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव में मस्तिष्क में काफी सूजन आ जाने के कारण उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। ऐसे में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनके ब्रेन की इमरजेंसी सर्जरी की गई। 17 मार्च को मस्तिष्क में सूजन और ब्लीडिंग का पता चलने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक सदगुरु पिछले कई दिनों से सिर में गंभीर दर्द से पीड़ित थे। MRI पर ब्रेन में सूजन और ब्लीडिंग डायग्नोस। सदगुरु को सिर में तेज दर्द का शिकायत पर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहां सदगुरु का इलाज डॉक्टर विनीत सूरी के अंडर में चल रहा है। सदगुरु की समस्या को देखते हुए डॉक्टर ने उनसे MRI कराने की सलाह दी। जाँच में सामने आया कि उनके ब्रेन में काफी सूजन आ चुकी है। इसके साथ ही MRI में देखा गया कि उनके ब्रेन ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे में डॉक्टर देर न करते हुए उनके ब्रेन की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार अनुराग ठाकुर। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि भारत 2030 युवा ओलंपिक और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठाकुर ने कहा कि मेजबानी की दावेदारी के लिए आमंत्रण के साथ ही इसकी मेजबानी के लिए तैयार होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारत 2030 का युवा ओलंपिक और 2036 का ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे पास युवा शक्ति है। खेलों के लिए भारत से बड़ा बाजार नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट देखने ब्रिटेन से करीब 4000 क्रिकेट प्रेमी धर्मशाला पहुंचे थे और उन्होंने स्टेडियम की तारीफ भी की। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद 2028 ओलंपिक लॉस एंजलिस में और 2032 ओलंपिक 20 ब्रेस में खेले जाएंगे। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बन रही है MNS News TV पर। नमस्कार।